वक्त बदलता रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और संगीत भी परिवर्तन से अछूता न रहा। ओमकार और ईश्वर से जनित हमारा भारतीय संगीत तत्कालीन सम्राटों की संस्कृति से प्रभावित हुआ और बाद में हिंदुस्तानी संगीत कहलाने लगा। आइए देखते हैं इतिहास के पन्नों में किस तरह हिंदुस्तानी संगीत की कहानी रची गई है। यह समय था सन 1294 का, जब मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर आक्रमण करके दिल्ली दरबार पर फतेह हासिल की। दिलेर और जांबाज अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ युद्ध प्रेमी ही नहीं, संगीत का प्रेमी भी था। उसके समय में दिल्ली दरबार के रौनक हुआ करते थे पर्शिया संगीत के शौहरतमंद फनकार अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो साहब ने ही कर्नाटकीय गायकी के सुविख्यात कलाकार गोपाल नायक जी को आज दरबार में आमंत्रित किया है। ओम हरि अनंत नारायण मरहबा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। गोपाल नायक जी, हमने आपकी जितनी शोहरत सुनी थी, माशा अल्लाह उससे बढ़कर ही पाया आपको। महाराज की नजर पारखी है, वरना मैं किस लायक हूं। मौसिकी में एक ऐसी रूहानी ताकत है जो हमारे दिलो दिमाग में बसी बदगुमानी और दुश्वारियों को भी दूर करके हमें पुरसुकून से लबरेज कर देती है। खुसरो साहब, हुक्म जहां बना। मौसीकी के इस मुकाबले में आप भी कुछ पेश कीजिए। शहंशाह का हुक्म सराहों पर। इरशाद। सुभान अल्लाह। मौसीकी का यह खजाना कुदरत ने आपको बड़ी शिद्दत से बख्शा है खुसरो साहब। शहंशाह की इनायत है, अगरचे बंदा किस काम का। ये मामूली सा नजराना पेश फरमाइए। बंदगी हुजूर। मौसीकी कोई ऐसी जागीर नहीं है जिसकी हदबंदी की जाए।
मौसिकी तो कुदरत की वो नेमत है जो दिलों में मोहब्बत का जज्बा पैदा करती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप दोनों मिलकर एक नई गायकी ईजाद करें। शहंशाह की इस नेक नियति का पूरा सम्मान किया जाएगा। आमीन। गोपाल नायक साहब, भारतीय संगीत और आपकी गायकी के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खुसरो साहब, हम भी आपके पर्शियन संगीत एवं गायकी से बहुत प्रभावित हैं। इसे देखिए, इसे वीणा कहते हैं एवं संगीत साधना में हम इसका प्रयोग अनिवार्य मानते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत साज है ये। हाँ। हम इसका रूप बदल कर एक नया साज बनाएंगे, इसका नाम सितार रखेंगे। ये हमारी मुलाकात का एक यादगार साज साबित होगा और इससे हमारी सांगीतिक मित्रता भी बढ़ेगी। आमीन। अपने समय के ये महान कलाकार संगीत और गीत की नई नई विधाओं की खोज और उनका विकास करते रहे। ग्वालियर नरेश राजा मान सिंह तोमर के दरबार में पहली बार ऐसी ही गायकी का प्रदर्शन हुआ। राजा मान सिंह की जय हो। राजा मान सिंह की जय हो। तो मंत्री महोदय। आज्ञा महाराज। अब राजकाज की कार्यवाही शुरू की जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, परंतु एक निवेदन है। कहिए। ग्वालियर घराने के महान संगीतज्ञ अपनी गायन की एक नई शैली आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ओ, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंत्री महोदय, तो प्रस्तुत किया जाए। महाराज की जय हो। आपका स्वागत है। तो अब हम आपकी नई गायन शैली सुनना चाहेंगे। महाराज, गायन की शैली का नाम ध्रुपद है। Thank you.
पति शंकर गिरिजा पति शंकर गिरिजा पति शंकर गिरिजा पति पार्वती पतेश्वर पार्वती पतेश्वर गले रुंड माला महामय महेश्वर शंकर गिरिजा पति शंकर जटामे गंगा शंकर गिरिजा शंकर। वाह अद्भुत, ऐसा लगता है मानो साक्षात मां सरस्वती इनके कंठ में बैठी हैं। आपकी वाणी में स्वर्ग के आनंद की अनुभूति है। आइए मैं आपको भेंट स्वरूप अपनी ये माला प्रदान करता हूं, स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह प्रकट तो नहीं कर पाएंगे, परंतु इतना अवश्य कहेंगे कि पूरा भारतवर्ष भले ही राजा मान सिंह को उसके राजकाज के लिए भुला दे, परंतु इनकी गायन शैली ध्रुपद के लिए इस पूरे ग्वालियर को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। राजा मान सिंह की जय हो, राजा मान सिंह की जय हो। और इस तरह गीत संगीत अनेक राजाओं के राज में संस्कृति के साथ बढ़ता रहा, फैलता रहा। नई नई गायन व वादन कलाओं की खोज होती रही। दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के इसी दिल पर एक बार फिर समरकंद से आकर बाबर ने फतेह हासिल की और यहीं का होकर रह गया। बाबर, हुमायूं और उसके बाद अकबर ने दिल्ली को जीता। बा अदब, बा मुलायजा होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। देरी की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। देरी की वजह बताओगे तभी तो माफी दी जाएगी वजीर साहब। जहां पना खबर के इंतजार में था। तो क्या ताजा खबर मिली? हुजूर खबर तो पुरानी है, अलबत्ता उसकी ताजगी हर दिन एक नए जोश के साथ होती है। बहुत खूब, भला क्या खबर है? खबर है मियां तानसेन का नया राग। क्या मियां तानसेन का नया राग? जी जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मियां तानसेन से गुजारिश करूं। इरशाद। हुजूर। महाराज, आज मैं आपके लिए राग मियां की तोड़ी प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। इजाजत है।
छुपा कर कर तार अरज मेरो छुपा करो कर तार कर तार कर तार। वाह वाह बहुत हो बहुत सुभान अल्लाह। मियां तानसेन आप जब भी गाते हैं तो खून खौल उठता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राग में बहुत शक्ति होती है महाराज। जाहिर है, लेकिन मियां तानसेन आपने ऐसी रूहानी ताकत की तालीम किससे हासिल की? संगीत विद्या मैंने अपने गुरु स्वामी हरिदास जी से पाई है। गजब का आकर्षण है उनके संगीत में। जब वे गाते हैं तो पशु पक्षी मंत्र मुक्त होकर उनके पास चले आते हैं। राग सागर अपार राग सागर अपार शंभु न पायो पार राग सागर अपार शंभु न पायो पार राग सागर अपार। वेद हो न पाय पार वेद हो न पाय पार बैठे सब हार हार वेद हो न पाय पार बैठे सब हार हार कहे हरि वल्लभ जय यूं ही जन फिरत ही कहे हरि वल्लभ जय यूं ही जन फिरत ही। राग सागर अपार शंभु न पायो पार राग सागर अपार आ राग सागर अपार आ राग सागर अपार शंभु न पायो पार राग सागर अपार। बहुत खुश नसीब हैं आप मियां तानसेन जो आपने ऐसे शौहरतमंद आलिम फाजिल उस्ताद की शागिर्दी की और ऐसी बेहतरीन मौसिकी और गायकी की तालीम ली। इंशाअल्लाह परवरदिगार की ऐसी खूबसूरत सरजमी पर आपकी शोहरत हमेशा बुलंद रहेगी। आमीन। एक राग दीपक होता है और सुना है कि जब उसको गाया जाता है तो आंधियों में भी चिराग जल उठते हैं और आग भी लग जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना है महाराज। क्या आप ऐसे राग को जानते हैं? जी महाराज। हम उस राग को सुनना चाहते हैं। क्या हमारी फरमाइश पूरी नहीं होगी? जरूर होगी जहांपनाह। बहरहाल महाराज मुझे राग दीपक गाने के लिए कुछ समय दिया जाए। जैसी आपकी मर्जी। आज की महफिल यहीं बर्खास्त की जाती है। तानसेन मेरे मित्र इस तरह निराश होने से कुछ नहीं होगा। हां बीरबल महाराज की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। अवश्य
और इसके लिए माँ सरस्वती आपकी रक्षा करेंगी।